नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। ये है मैसाचुसेट्स यूएसए। 26 मई का ये दिन है और अमेरिका में, खासकर मेरे स्टेट मैसाचुसेट्स में, हरियाली की शुरुआत हो चुकी है। ये जो बाइक ट्रेल आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के पास का वो बाइक ट्रेल है जिस पर यूजुअली मैं बाइक राइड करता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं हूँ हिंदुस्तान में। और ये फुटेज जो है वो भेजे हैं लीलिया ने, तो मैं आपके लिए ये फुटेज लेकर आया हूँ। और आज के इस वीडियो में कुछ हम पॉजिटिव बातें करते हैं। इतना कोविड-19 की वजह से डिप्रेशन सभी ओर फैला हुआ है, तो आज हम देखेंगे कि अमेरिका में किस तरह की लाइफ है और ख़ासकर बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपने दिन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है, बच्चे अंदर घरों में कैद है, या तो वो टीवी देखते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन उनको बाहर जाने को नहीं मिलता। पूरे वक्त पढ़ाई भी नहीं कर सकते और फिर घर में परिवार के सभी सदस्य मौजूद हैं, इस वजह से भी बच्चे अनकंफर्टेबल रहते होंगे। अभी तो हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में हरियाली छाई हुई है और ये मई का जो महीना है, हमारे यहाँ नौ तपा जो चल रहा है, नौ तपा यानी कि मई में यहाँ पर इंडिया में नौ वो दिन होते हैं जो बहुत बुरी तरह से तपते हैं, लेकिन अमेरिका में अभी बहार आई हुई है और कुछ इस तरह का माहौल है जैसे हमारे यहाँ सावन का महीना होता है। पूरा सभी तरफ हरियाली होती है और ऐसी ही हरियाली वहाँ गर्मियों में अमेरिका में आ जाती है। ये शहर के बीचों बीच का बाइक ट्रेल है और आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं किसी जंगल का ये रोड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शहर के बीचों बीच से निकलता हुआ वो बाइक ट्रेल है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है और काफ़ी तकरीबन ये 25 से 30 किलोमीटर लंबा बाइक ट्रेल है। अभी तक मैं इसको पूरा राइड नहीं कर पाया हूँ इस बाइक ट्रेल, और इस ट्रेल के बाद अब हम चलते हैं बच्चों को देखने के लिए कि बच्चों की कैसी लाइफ है। ये मेरी डॉटर है अंजलि, इसी बाइक ट्रेल पर ये राइडिंग कर रही है साइकिल की। साथ में जो है उनके मामा मामी यानी कि परिवार के सभी सदस्य, अभी सभी ये लोग बाइक ट्रेल पर निकले हुए हैं राइडिंग के लिए। और अमेरिका में जनरली होता क्या है कि लोग घरों में नहीं बैठते हैं, वीकेंड पर जो पास इतना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जगह है, झीलें हैं, पहाड़ है, पर्वत है, जंगल है, वहाँ पर निकल जाते हैं। अभी जैसे ये मेरा बेटा ईशान है और ये आज एक पासी के रिजर्वॉर में पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। और अब चलते हैं बच्चे, बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे ये सब कजिन्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये कोई पब्लिक पार्क नहीं है, ये बच्चों की जो मौसी है उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में ये बच्चों के लिए बनाया है। और सबसे अच्छी बात कि सब बच्चे आपस में इकट्ठे होते हैं, फिर उनके दिन अच्छे व्यतीत हो रहे हैं, यानी कि वो पैनिक नहीं है जो हमारे इंडिया में बच्चों के ऊपर बना हुआ है। ये अभी नया डॉग परचेज किया है, इसकी कीमत है 1100। और सब ये घर के बैकयार्ड में ये ट्रम्पलिन डाली हुई है और सभी जो बच्चे हैं आपस में सब कजिन्स हैं, क्योंकि जो मेरी वाइफ है उनके 5 बहनें हैं और 6 भाई हैं, और सभी के घर जो हैं वो बच्चों से भरपूर है। तो तकरीबन जो कजिन्स हैं इनके करीब ऑलमोस्ट 40 कजिन्स ये हैं। तो अब आप समझिए कि उनको किसी और नेबरहुड के बच्चों की ज़रूरत नहीं है, आपस में ही सब आसपास रहते हैं और सब एक दूसरे के यहाँ विज़िट करते हैं। ये एक दूसरी जो उनकी मामा है उनका घर है, तो उन्होंने भी अपने बैकयार्ड में इसी तरह का बच्चों के लिए डाला हुआ है। और ये मेरा बेटा ईशान फुल मस्ती मूड में, ये मेरी डॉटर सुहानी, ये अंजलि, और वो सबसे छोटी जो है सोनिका। ये सोनिका जो है वो न्यू ईयर बेबी रही है, क्योंकि जब इसका बर्थ हुआ था तो नए साल पर हुआ था और
ये बन चुकी थी नेशनल न्यूज। तो ये बच्चों के मामा का घर है जिन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में इस तरह का बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए सभी कुछ डाला हुआ है, जो कि जनरली हमारे यहाँ पब्लिक पार्क में लोग लगाते हैं, फिर वहाँ पर सब बच्चे जैसे जाते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अपना स्वयं का बच्चों के लिए बनाया हुआ है। तो बच्चों का काफ़ी अच्छे से वक्त व्यतीत हो रहा है। ये फिर दूसरे ब्रदर का घर है, उन्होंने भी अपने घर के बैकयार्ड में बच्चों के फ़न के लिए इसको लगाया हुआ है। ये पब्लिक पार्क नहीं है, उनका अपना प्राइवेट बैकयार्ड है जो घर के बैक साइड में बनाया हुआ है उन्होंने। और ये जो है ये मेरा गरीब खाना है, जो लाल रंग का घर आप देख रहे हैं, और ये मेरे बच्चे हैं जो भाग दौड़ कर रहे हैं घर के पास में। ये भी काफ़ी 40 घरों का नेबरहुड है जिसमें डुप्लेक्स हैं, लेकिन आपको सब लोग घर के अंदर ही दिखाई देंगे। और यहाँ पर जो भी धबा चौकड़ी होती है वो सब मेरे बच्चों के द्वारा होती है। बैक साइड में अभी बच्चों के झूला बनाने का यहाँ भी चल रहा है, लेकिन अभी कब बनाएंगे मालूम नहीं। ये है मेरी डॉक्टर अंजलि, और अंजलि प्लेज के नाम से अंजलि ने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया है। तो आप चाहे तो अंजलि के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बताइएगा कि आजकल आपको ये वीडियो कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। YouTube पर चैनल का नाम है भूपेंद्र USA।